नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। आप देख रहे हैं हमारे भारतीय खबरें ऑफिशियल चैनल सुरेश पन्नू पर। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले यहां पे थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल हुआ था, आप सब ने देखा था। और अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक टेम्पो चालक को चप्पल से मारती हुई दिखाई दे रही है। आरोप है कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या एक गार्ड भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि वीडियो में दोनों टेम्पो चालक को बचाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर दो युवक महिला के साथ टेम्पो से उतरे। इन लोगों की टेम्पो ड्राइवर के साथ किराए को लेकर बहस हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लोग कम पैसे दे रहे थे और ड्राइवर है जो पूरा किराया मांग रहा था। गहमा गहमी बड़ी तो महिला ने पहले ड्राइवर को थप्पड़ मारा और फिर चप्पल निकाल कर उसे पीटने लगी। आपको बता दें ये वीडियो 21 तारीख का है, हालांकि 21 तारीख को किराए की छूट नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस और गार्ड वीडियो में दिखाई दे रहे थे जो महिला को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ड्राइवर अपनी बात पुलिस को बताता दिखता है। आरोपी गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। लेकिन महिला को पुलिस है जो रोक नहीं पाती। महिला चप्पल निकाल कर उस ड्राइवर को मारने लगती है और उसे पीटती जाती है। और यहाँ से साफ होता है जो लोग लखनऊ से है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है जो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं से उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे आपको घर में ही रहना बेटर है, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हुई नज़र आ रही है। वीडियो में कुछ महिलाएं हैं जो ऐसा कार्य कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं अपनी पावर को गलत तरीके से। यहाँ से साफ है कि लखनऊ गर्ल को भी यदि सज़ा ना मिली तो ये कांड लखनऊ की नहीं पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बेकसूर पुरुष है जो मारे जाएंगे उनको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये अपडेट है, आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से जुड़े रहने के लिए।